पे गोली लगी थी 2001 में गोली लगी थी। अच्छा, उसने टच किया था हराम मार्क्स को, रीढ़ की हड्डी में। अच्छा, उसके बाद मेरा चलना फिरना बंद हो गया था, मैंने 2 ऑपरेशन भी करवाए। अच्छा, तो नहीं मसला। अच्छा, अब 4 साल पहले नहीं मुझे ये हाथ कमज़ोर होना शुरू हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। अच्छा, इसी की वजह से। अच्छा, तो डॉक्टर ने कहा ना ऑपरेट हो सकता ना इसका कोई हल है। अच्छा, तो बड़े सरकार जी का उर्स लगा हुआ था क्यू टीवी एयर वाइफ। आपको बुलाना चाहिए, पहली मरतबा जो बड़े सरकार का उर्स था क्यू टीवी पे मेरा खिताब था। वो खिताब मैंने सुना, तो भाई ने सुना, भाई को कहा मैं आपको बुजुर्ग आपको दुआ करवा रहे हैं, मैं टीवी चला। उसके बाद फिर नेट पे देखा। अच्छा, हम आए जब 2 गाड़ियों। अच्छा, आप खानेवाल से यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर के फैसले। जी जी। 2001 और 2015 2015 हो चुका है। 2015 हो चुका है। 2001 14 साल के बाद आप पहली मरतबा चले। अल्लाह ताला करम का पहली मरतबा चले। इधर ही आके चले, इससे पहले नहीं चले। अच्छा, इस तरह है कि देखे ना, एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है ना कि चलो किसी के साथ को असर हो गया, कोई मामलात हो गए तो वो दरवेशों के आस्थाने पे जाता है तो ठीक है, लेकिन आपका तो मेडिकल प्रॉब्लम था, इसका अमेरिका में भी इलाज नहीं है। डॉक्टर ने क्या कितने ऑपरेट कराए? कमर के 2 ऑपरेट करवाए थे। उसका उनका जी ये जो ट्यूमर हुआ था, उन्होंने कहा इसका जो ना ऑपरेट भी नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं। कहा जी ब्रेन से लेकर मुकम्मल ये हराम अज़्म में मुकम्मल फैल चुका है। और आप बिल्कुल सुनते। अच्छा, आप देखे ना 2 मर्ज़े हो गई। एक तो इनको गोली टच हुई, गोली लगी, ब्लड लगा, उसकी वजह से आराम है जो है वो डैमेज हो गया। और दूसरा इनको ट्यूमर हो गया। और डॉक्टर ने क्या कहा था कौन सा ट्यूमर है? कैंसर। आप देखे ना, अल्लाह का करम इतना हुआ कि 2 चीज़ें 14 साल के बाद इन्होंने चले पहली मरतबा बड़े सरकार। कितना अरसे बाद? 14 साल के बाद। 14 साल के बाद। इसलिए मैं कहता हूँ जो अल्लाह के वलियों के आस्थाने में रब शफात देता है, कायनात में कहीं मौजूद नहीं। आप 14 सालों के बाद आप पहली मरतबा अपने कदमों पे चले। जी। खानेवाल से आए हुए आप भाई है सके। आप देखे ना, बाद लोगों का ये ख्याल होता है कि अल्लाह के वलियों के आस्थाने से जाने से क्या मिलता है। आप तो एक जिंदा करामत है, जिंदा मिसाल है कि 14 सालों के बाद अल्लाह ने एक बार इनको नई जिंदगी नई सांसें अता की कि एक बिल्कुल खत्म जिस्म, मुर्दा जिस्म को अल्लाह ने फिर एक बार जान मिली। अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे जाने से हर मर्ज की शफा। दरवाजे के अंदर खासियत है कि जो अपनी नीयत ठीक करके आया है उसकी मुराद पूरी हो गई। और ये वो दरबार नहीं जहाँ कहानी सुनाई जाती है, यहाँ वही बात की जाती है जो सामने अब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं ना। आप चलें जरा बाजार की तरफ चलें। अब 14 साल कोई मामूली बात है? 14 साल के बाद बंदा चल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे